हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आप सबको स्वागत है वॉच अनलर्न की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेंड्स यार, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग की कुछ फोन्स के बारे में, जिसको नए कुछ अपडेट्स मिला है, खास करके सैमसंग गैलेक्सी J6 की यूजर्स के लिए कुछ न्यूज़ है और या बजे सैमसंग की S9 की यूजर्स के लिए भी कुछ न्यूज़ है। तो आप इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि सैमसंग ने इन सब अपडेट्स में क्या कुछ नया इंप्रूव कराया है, क्या कुछ नया सैमसंग ने डाला है। तो इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना, सो आपका टाइम में वेस्ट नहीं करता। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए बंदी को पहले बार सुन रहे हो, अभी तक कैसे सब्सक्राइब, तो प्लीज़ अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस घंटे के ऑप्शन को दबा लेना, क्योंकि इस घंटे के ऑप्शन नहीं दोगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों के पास। तो प्लीज़ अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब करो चैनल को, घंटे के ऑप्शन को दबा लो, शेयर करो, लाइक करो। तो बात करते हो आज की इस वीडियो के बारे में। तो गाइस, अगर जो कल मैं एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी S7 को 100 पाई का अपडेट जो है मिलने वाला है, और अगर जो सैमसंग उसको वाईफाई में सर्टिफाइड क्या कर दिया था, मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। बट अगर सैमसंग की जो S7 है, बहुत सारे वेबसाइट्स बता रहा है कि इसको 100 पाई का अपडेट नहीं मिलने वाला है। तो अगर जो इसका जो 100 पाई का अपडेट लिस्ट है सैमसंग का, उसमें भी सैमसंग की S7 का और S7 एज का नाम है नहीं। तो यहाँ पर जो देखते हैं सैमसंग इसका 100 पाई का अपडेट देता है या नहीं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आया था मैं उसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो अगर जो देखते हैं सैमसंग क्या करते हैं सैमसंग की S7 के लिए और S7 एज के लिए कि इसका 100 पाई का अपडेट देता है या नहीं। तो गाइस, और बात करता हूँ नेक्स्ट डिवाइस के बारे में जिसको नया एक अपडेट मिला है, वो है सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस। तो गाइस, सैमसंग की S9 प्लस को 100 पाई का अपडेट तो मिल गया है ऑलरेडी। तो अगर जो उसके बाद सैमसंग जो इसको अप्रैल 2019 का सिक्योरिटी पैच दिया है और इसका फाइल साइज था तकरीबन 1.1 GB के आसपास। तो यहाँ पर जो है, जो भी लोग अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना, और यहाँ पर जो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। तो और बात करता हूँ सैमसंग के नेक्स्ट डिवाइस के बारे में जिसको नया एक अपडेट मिला है, वो है सैमसंग की गैलेक्सी J6। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि सैमसंग की J6 को अभी जो है 3-4 कंट्री में ही 100 पाई का अपडेट मिला है, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया और अब जो है आई थिंक पनामा भी होगा, क्योंकि मैं इसके बाद वीडियो बनाया था 2 दिन पहले आई थिंक। गाइस, अब जो सैमसंग एक और कंट्री में 100 पाई का अपडेट दे दिया है सैमसंग गैलेक्सी J6 में, तो अब जो उस कंट्री का नाम है इटली। तो अब जो है इंडिया में अभी तक नहीं आया है, बट अब सैमसंग उसकी 100 पाई का अपडेट लिस्ट में बताया कि अप्रैल 2019 में आपको इसको 100 पाई का अपडेट देखने को मिल जाएगा इंडिया में। गाइस, अब जो बहुत सारे वेबसाइट्स भी बताया था कि इसको 100 पाई का अपडेट मिलेगा अप्रैल 11th में, बट एवर जो वो नहीं मिला था। बट एवर सैमसंग 100 पाई का अपडेट लिस्ट में जो इसका ऑफिशियल डेट है अप्रैल 2019, तो आपको जो है अप्रैल 2019 तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 100 पाई का अपडेट इंडिया में ऑफिशियली सैमसंग की तरफ से J6 में मिल जाएगा। तो गाइस, अब जो है आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा सब्सक्राइबर जो है पूछ रहा था कि भाई इसको 100 पाई का अपडेट सच्ची में मिलेगा या नहीं। तो आप लोगों को बता दूँ कि इसको अभी तक जो है 100 पाई का अपडेट नहीं मिला है, और सैमसंग की जो पॉलिसी है उसका मुताबिक जो है सैमसंग की मिड रेंज डिवाइस में 2 मेजर अपडेट मिलता है, तो इसको भी जो 100 पाई का अपडेट मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो अब देखते हैं सैमसंग इसको 19 अप्रैल को देता है या फिर उससे पहले ही दे दे। इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आया तो मैं आप लोगों को इस चैनल पे बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस यही सब था, जैसे कि आप लोगों को बताया कि इसको 100 पाई का अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगा, और सैमसंग S7 को अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसको 100 पाई का अपडेट मिलेगा या नहीं। तो भाई, देखते हैं सैमसंग इन सभी डिवाइस को कब देता है 100 पाई का अपडेट विद 1 UI। तो आज की वीडियो में बस यही सब था। जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना इस चैनल को। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और घंटे ऑप्शन को दबा लेना। तो भाई, मैं मिलता हूं आपको ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी, स्टे कूल, टेक केयर।